विदिशा के गंजबासुदा में एक बड़ा हादसा हो गया, जो है कुएं में बच्चा गिर गया। जिसे निकालने पहुंचे लोग कुआं धंसने में उसमें समा गए, जिसके बाद अब लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है, जहां रेस्क्यू कर 20 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। गंजबासुदा में मौत का कुआं निकल गया 4 जिंदगियां। कुएं की मिट्टी धंसने से हुआ दुखद हादसा। 4 साल के मासूम को बचाने पहुंचे थे लोग। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई लोगों की जान। गंजबासुदा में गुरुवार की रात कहर बनकर टूटी। यहां 4 साल का मासूम बच्चा एक कुएं में जा गिरा, जिसे निकालने पहुंचे लोग कुएं की मिट्टी धंसने से कुएं में समा गए। अफरा तफरी के बीच लोग अपनों को तलाशने लगे। मौत के इस कुएं से लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर जा पहुंची। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन यह मौत का कुआं 4 लोगों की जिंदगियां निकल गया। हादसे के बाद सीएम शिवराज एक्शन में आए। रात में ही मंत्री विश्वास सारंग सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के सभी पुख्ता इंतजाम किए। सुबह सीएम लाइव कास्ट के माध्यम से पल पल पर नजर बनाए हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भोपाल से भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया है। सारी आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। तत्काल जैसे जानकारी मिली राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर आईजी रवाना हो गए। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी एसडीएम से वहाँ बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहाँ भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नज़र रखे। डीजी, सीएस, संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना लिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगाऊँ। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक सीएम ने निर्णय लिया है कि हादसे में मृतकों को 5-5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं घायलों को 50,000 की राशि के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि इस दर्दनाक घटना में जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उन लोगों को तो वापस नहीं ला सकते जी, पर ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये और उनके समुचित इलाज की भी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होगी। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सभी नीचे तक का जो मलबा है उसको देखें और अभी ग्रेजुएट मंडी है उन सबको हम।
वहीं इस हादसे को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुखद बताते हुए राहत और बचाव कार्य जारी रहने की बात कही। दुखद प्रसंग है, पीड़ादायी प्रसंग है। बच्चा खेलते हुए कुएं में गिर गया। दूसरे बच्चे ने जब लोगों को सूचना दी और वो दौड़े आए, उसके बाद यह घटना घटी। कुएं का धसकना एक दो बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, पूरी रात रेस्क्यू चला है। प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय प्रदारक घटना है, मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देर रात तक जानकारी लेते रहे। अभी 11 बजे वो पुनः लाइव जुड़ने वाले हैं घटनास्थल से। लगातार बचाव कार्य जारी है। मैं समझता हूं कि और भी जो स्थिति होगी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो गंज बासुदा में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इस हादसे के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।